हेलो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशिएशन चैप्टर का लास्ट पार्ट है। हमारे पास एक फॉर्म है फंक्शन रेज टू पावर अनदर फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें वो हम करेंगे इस पार्ट में। ओके, नाउ हेयर इज द फॉर्म फंक्शन रेज टू पावर अनदर फंक्शन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले एक्स रेज टू पावर एक्स को हमने डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है। पहले इसको एज्यूम कर लीजिए वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स, देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेना है हमने, लॉग वाई इज इक्वल टू इसके साथ ले लेंगे हम लॉग लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स, देन हम इसको हम बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन बोला जाता है इसको। ओके, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉग वाई इज इक्वल टू, देखिए ये फॉर्म बन जाएगी हर क्वेश्चन में, लॉग एम रेज टू पावर एन, तो हमारे पास आ जाएगा एन आगे आ जाएगा इंटू लॉग एम। ओके, फिर इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास आएगा लॉग वाई का डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ हमारे पास है लॉग एफ एक्स। ओके, एफ एक्स मीन्स कोई भी फंक्शन हो जाए, चाहे वाई हो जाए, कुछ भी फंक्शन हो जाए, दिस विल बी इट्स डेरिवेटिव इज वन अपॉन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ओके, नाउ वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स आ गया इंटू ये फॉर्म कौन सी बन जाएगी, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया, डैट मीन्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज एक्स, एंड एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास वन। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, एंड दिस विल बी वन प्लस लॉग एक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लेफ्ट में जो वाई है हमारे पास ये इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, वाई इंटू वन प्लस लॉग एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू अगेन वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एक्स। ओके, देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एक्स, देन लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, देखिए एम रेज टू पावर एन, एन क्या है हमारे पास एक्स, एक्स आगे आ गया इंटू लॉग साइन इनवर्स एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ लॉग वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज फंक्शन फर्स्ट। देखिए ये इस पार्ट में सभी क्वेश्चन में यही सेम फंडा होगा, इधर लॉग वाई होगा तो इसका डेरिवेटिव हमेशा वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, और राइट साइड में हमेशा हमारे पास प्रोडक्ट रूल वाली फॉर्म बनेगी एफ एक्स इंटू जी एक्स वाली फॉर्म। ठीक है, देन एफ एक्स डेट इज एक्स फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट है हमारे पास एक्स एंड एक्स का डेरिवेटिव वन। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस विल बी इक्वल टू एक्स इंटू नाउ डेरिवेटिव ऑफ वन लॉग साइन इनवर्स एक्स विल बी वन अपॉन साइन एक्स, दिस विल बी वन अपॉन साइन एक्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू वन अपॉन साइन इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए ये लेफ्ट साइड में हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जब हम राइट साइड में वाई को शिफ्ट करेंगे तो वाई की देखिए एक स्टेप बना लो कि जिसमें हम वाई को शिफ्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप मैं इसी पार्ट में करूंगी, इसी स्टेप में करूंगी, ये वाई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है हमने, ये आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एक्स, ये हर एक क्वेश्चन में यही स्टेप होगा। ओके, एक्स
अपॉन साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स, ये आंसर आ जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू कॉस x रेज टू पावर x। पहले इसको हम देखेंगे इसकी फॉर्म क्या है, कॉस वाली फॉर्म आ गई। ओके तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एफ एक्स। नाउ डेरिवेटिव ऑफ कॉस x, कॉस एफ एक्स इज माइनस साइन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x रेज टू पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर x। ओके अब हमने पहले में किया है x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कितना निकाला है हमने, माइनस साइन x रेज टू पावर x इंटू, ये आ जाएगा x रेज टू पावर x इंटू वन प्लस log x, ये हमने पहले निकाला हुआ है इसलिए मैं ये इसलिए यहाँ नहीं कर रही। अदरवाइज जब ये सेपरेटली क्वेश्चन आएगा तो इसको हमने पहले सॉल्व करना है, x रेज टू पावर x को सॉल्व करके फिर इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है। ओके नाउ दिस इज योर आंसर। नाउ बी पार्ट देखिए, x रेज टू पावर वन अपॉन x। नाउ दिस इज फंक्शन, फंक्शन ये भी फंक्शन बन गया, ये भी फंक्शन बन गया। इसमें देखिए, इसमें x रेज टू पावर x जो है ये cos के साथ है। ओके तो cos के ऊपर नहीं है, ये cos के साथ है, इसलिए ये log नहीं लिया हमने इसमें दोनों साइड पे। ओके नाउ इस पार्ट में क्या है, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आ गया, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर वन अपॉन x, तो इसमें क्या करेंगे, log लेंगे। अब इसमें जब भी हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन हो तभी हमने log लेना है। ओके log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर वन अपॉन x एंड दिस इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू log वन अपॉन x, आगे आ जाएगा m रेज टू पावर n की फॉर्म के अकॉर्डिंग log x। ठीक है इसे हम सॉल्व कर देंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। नाउ फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके देन नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स, मैंने इसमें करवाया नहीं, अदरवाइज वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके इसको लर्न कर लीजिए, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस लॉग x अपॉन x स्क्वायर एंड दिस विल बी वन माइनस log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ओके नेक्स्ट dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इधर आ गया y इंटू वन माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे एंड दिस इज x रेज टू पावर वन अपॉन x इंटू वन माइनस log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट नाउ इसका c पार्ट देखिए, x रेज टू पावर log x। देखिए इसको कैसे करना है, हमने अपने आप ट्राई करना है इसको, log इसकी फॉर्म बन जाएगी y इज इक्वल टू, सिर्फ इसकी फॉर्म बनाऊंगी अब मैं log x, जब हम log लेंगे दोनों साइड पे तो ये फॉर्म बनेगी log y इज इक्वल टू log x, आगे आ जाएगा जब हम log लेंगे इंटू log x। ओके तो ये बन गया log y इज इक्वल टू log x की होल स्क्वायर बन गया ये। ओके स्टूडेंट देन इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं आप। ओके नाउ डी पार्ट में देखिए, x रेज टू पावर x की x, तो इसको हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले से,
ये सी पार्ट हो गया। डी पार्ट को हम फॉर्मूले इस फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे, ए रेज टू पार एम एन, तो ये कितना बन जाएगा, ए रेज टू पार एम इंटू एन, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स रेज टू पार एक्स इंटू एक्स, तो ये बन गया हमारे पास एक्स रेज टू पार एक्स स्क्वायर। ओके, देन इसको लॉग लेंगे, लॉग में लगाकर हमारे पास आएगा लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आगे आ जाएगा एन हो गया ये, इंटू लॉग एक्स। ओके स्टूडेंट, देन इसको अपने आप ट्राई करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स रेज टू पार वाई प्लस वाई रेज टू पार एक्स इज इक्वल टू टू। इसमें इस बात का ध्यान रखना कभी भी ऐसे लॉग मत लेना, ओके, क्योंकि हमारे पास लॉग के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि लॉग एम प्लस एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाए, ओके, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, सभी बच्चे ऐसे ही लिखते हैं इसको, लॉग एम प्लस एन ऐसे ही लिख देते हैं इसको, लॉग एम प्लस एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके, नाउ इसमें क्या करना है, लेट u प्लस वी इज इक्वल टू टू, वेयर u हमने एज्यूम कर लिया x रेज टू पार y एंड हमने v एज्यूम कर लिया y रेज टू पार x। ओके, नाउ इसका डेरिवेटिव लें पहले फर्स्ट का, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास u का डेरिवेटिव डी यू वाई डी एक्स प्लस v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एंड डेरिवेटिव ऑफ टू इज जीरो। ओके, नाउ नेक्स्ट देन हमने करना है u का डेरिवेटिव एंड v का डेरिवेटिव। ओके, पहले इसको लेंगे हम u इज इक्वल टू x रेज टू पार y टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बी log u इज इक्वल टू log x रेज टू पार y एंड देन log u इज इक्वल टू y, आगे आ जाएगा y इंटू log x। ओके, देन इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज y एंड दिस विल बी y इंटू डेरिवेटिव log x इज 1 अपॉन x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy अपॉन dx। ओके, देन ये जो होगा dy अपॉन dx आ गया, du अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए u जो होगा इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो u की वैल्यू बैक हम पुट करेंगे x रेज टू पार y और हमारे पास अंदर आ जाएगा y अपॉन x प्लस log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम सेकेंड सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू y रेज टू पार x, इसमें भी वही यही स्टेप करना है, log v इज इक्वल टू log y रेज टू पार x। ओके, एंड ये बन जाएगा x इंटू log y, देन इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1। ओके, देन दिस इज इक्वल टू x इंटू log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log y। ओके स्टूडेंट्स, देन dv अपॉन डी एक्स हमारे पास आ गया इज इक्वल टू v, इधर साइड्स में शिफ्ट करेंगे तो v जब शिफ्ट करेंगे तो v की वैल्यू पुट कर देंगे y रेज टू पार x और अंदर हमारे पास आ गया x अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log y।
ओके स्टूडेंट, हमने डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली और डी वी अपॉन डी एक्स की भी निकाल ली, तो दोनों की वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में. ओके, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स भी आ जाएगा. तो अब हमारे पास आएगा सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे पहले, ये आ जाएगी हमारे पास एक्स रेज टू पावर वाई वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स. ओके, प्लस अब हम पुट करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू विच इज वाई रेज टू पावर एक्स एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू जीरो. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स रेज टू पावर वाई को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब हमें. ओके, देखिए एक्स रेज टू पावर वाई को जब हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू पावर वाई आ गया, नीचे हमारे पास एक्स रेज टू पावर वन, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स रेज टू पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस लॉग एक्स इंटू ये हमारे पास आ गया एक्स रेज टू पावर वाई, ऐसे ही आ जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स. ओके, देन प्लस इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करना है अब हमने. ओके, ये आ जाएगा हमारे पास वाई रेज टू पावर एक्स इंटू वाई रेज टू पावर एक्स माइनस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू जीरो. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स रेज टू पावर जो वाई होगा जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली फॉर्म है वो हम अलग कर लेंगे और विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वाली फॉर्म्स को अलग कर लेंगे. हमारे पास बन जाएगा एक्स रेज टू पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग वाई. ओके, प्लस ये अलग कर लेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें कॉमन निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास एक्स रेज टू पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई रेज टू पावर एक्स माइनस वन. ओके, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. इस पार्ट में सभी जो क्वेश्चंस होंगे ऐसे ही लेंथी होंगे वो सभी क्वेश्चन. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में पता है क्या करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लेफ्ट में रख लेंगे और इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे. ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स रेज टू पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई रेज टू पावर एक्स माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वाई माइनस वन इंटू वाई, ये माइनस आ जाएगा दोनों साइड पे, प्लस वाई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग वाई. एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस इंटू वाई प्लस वाई रेज टू पावर एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई रेज टू पावर एक्स माइनस वन. ओके स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो गया, दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, पहले इसको वाई अज्यूम कर लेंगे एज दिस. नाउ इसका डेरिवेटिव लेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए एक्स रेज टू पावर ए. ओके, नाउ दिस इज कॉन्स्टेंट, तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू आगे आ जाती है, ये मीन्स एन की जगह पे है. ओके, एक्स रेज टू पावर ए माइनस वन हो जाएगा इसमें प्लस. अब देखिए ए रेज टू पावर एक्स का क्या फॉर्मूला किया है हमने, ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस दिस इज ए रेज टू पावर ए, ए इज कॉन्स्टेंट and its power is also constant, therefore it is constant value and its derivative is zero. देखिए x raised to power x है जो, इसको हम u assume करके दिखाएंगे, वैसे हमने इसकी value निकाली हुई है. okay, तो इसको हम x raised to power x का derivative क्या निकाला हुआ है हमने, x raised to power x into 1 plus log x, तो simply हम इसको इसमें put कर देंगे is equal to x raised to power x 1 plus log x plus
ए इंटू एक्स रेज टू पावर ए माइनस वन प्लस ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए, दिस इज योर आंसर। ओके देखिए इसमें फिर वही फॉर्म आ गई, y इज इक्वल टू कोस रेज टू पावर कॉस रेज टू पावर कॉस ओके अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम फॉर्म देंगे y इज इक्वल टू कॉस x रेज टू पावर y, ओके देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग y इज इक्वल टू लॉग कॉस x रेज टू पावर y, देन दिस विल बी कॉस सॉरी लॉग y इज इक्वल टू m रेज टू पावर n वाली फॉर्म आ जाएगी y इंटू log x cos x, ओके देन इसका हमने डेरिवेटिव लेना है अब वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज y डी वाई अपॉन डी एक्स 1 upon y into dy upon dx is equal to y into now log fx iska derivative hoga 1 upon fx into derivative of fx according to this formula there will be 1 upon cos x into derivative of cos x is minus sin x plus log cos x into dy upon dx okay then this will be 1 upon y dy upon dx is equal to y minus y into tan x plus log cos x into dy upon dx okay then y को हम क्या करेंगे dy upon dx की वैल्यू निकालनी है हमने ओके dy upon dx की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में dy upon dx वाली ये फॉर्म्स की टर्म्स अलग ले लेंगे और राइट साइड में विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स ले लेंगे दिस विल बी वन अपॉन वाई ये इधर आ जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स बाहर आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू टेन एक्स ओके देन दिस विल बी वन माइनस वाई इंटू लॉग कॉस एक्स divided by y into dy upon dx is equal to minus y into tan x then next step में हम इसको हम shift कर देंगे उधर okay this will be dy upon dx is equal to इसको इधर shift करेंगे this will be y square into tan x divided by 1 minus y into log cos x this is your answer इसको हम पहले एज्यूम कर लेंगे y लेट y इज इक्वल टू साइन x रेज टू पावर टेन एक्स प्लस x रेज टू पावर x ओके देन लेट y इज इक्वल टू इसको हम करेंगे u प्लस इसको हम एज्यूम करेंगे v वेयर u इज इक्वल टू साइन x रेज टू पावर टेन एक्स एंड v is x raised to power x okay now find derivative of first y ka derivative aa jayega hamare paas dy upon dx is equal to u ka derivative du upon dx plus now derivative of v with respect to x is dv upon dx then isko bana lenge hum second equation okay नाउ डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे देन इसको हम सेकेंड में पुट कर देंगे ओके नाउ वी विल स्टार्ट विद यू नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास टेन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स देन इसका डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट into derivative of second plus second into derivative of first now this will be tan x into derivative of log x is log sin x is 1 upon sin x into derivative of
एफ एक्स मीन्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, दिस इज कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सिकेंट स्क्वायर एक्स. नाउ दिस विल बी, देखिए कॉस अपॉन साइन ये बन गया कॉट, और साइन टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी वन प्लस लॉग साइन एक्स इंटू सिकेंट स्क्वायर एक्स. ओके देन डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर हम u को शिफ्ट करेंगे तो u की वैल्यू पुट कर देंगे, u इज साइन एक्स रेज टू पावर टेन एक्स इंटू वन प्लस लॉग साइन एक्स इंटू सिकेंट स्क्वायर एक्स. ओके देन देखिए x रेज टू पावर v है हमारे पास x रेज टू पावर x, इसकी हमने वैल्यू निकाली हुई है विच इज dv अपॉन dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर x 1 प्लस log x. ओके स्टूडेंट्स देन इसको हम पुट करेंगे, देखिए du अपॉन dx की वैल्यू भी निकल गई और dv अपॉन dx की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, तो इन दोनों की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इस सेकेंड इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx. ओके अब इसमें पुट कर लेते हैं dy अपॉन dx, du अपॉन dx की वैल्यू है हमारे पास साइन x रेज टू पावर टेन एक्स इंटू वन प्लस log साइन एक्स इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस एंड वैल्यू ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स इज एक्स रेज टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, दिस इज योर आंसर. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स रेज टू पावर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, इसको हमने बनाना है यू और वाई, वाई ज्यूम कर लेते हैं, इसको ज्यूम कर लेंगे हम यू. ओके नाउ वी आर डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू u, देन वी हैव टू फाइंड dy अपॉन du एंड इट्स फॉर्मूला इज dy अपॉन dx डिवाइडेड बाय du अपॉन dx. ओके मींस y को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड u को भी हम डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर sin x टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बी लॉग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, यह मैं डायरेक्ट स्टेप्स ले रही हूँ. ओके नाउ डिफ्रेंशिएट करिए इसको बोथ साइड्स, वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरीवेटिव ऑफ लॉग एक्स विच इज वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई y, y क्या है हमारे पास x रेज टू पावर sin x, अंदर आ गया हमारे पास sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x. ओके देन हमने अब निकालना है u, u इज sin x रेज टू पावर x, तो इसका भी हम वैसे ही करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ले ले रहा है हमारे हमने दोनों साइड पे लॉग u इज इक्वल टू x इंटू लॉग साइन x एंड देन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी वन अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. नाउ लॉग साइन x का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं तो ये आ जाएगा वन अपॉन साइन एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स इज वन देन डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू को इधर राइट में शिफ्ट कर देंगे तो यू की वैल्यू लिख देंगे हम साइन एक्स रेज टू पावर एक्स और अंदर बन जाएगा हमारे पास एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस log because cos upon sin is cot log sin x. ओके ये बन गया हमारे पास du upon dx. ओके नाउ dy upon dx की वैल्यू क्या जाएगी फिर इसमें वैल्यूज पुट कर देना है हमने dy upon dx इज इक्वल टू dy upon dx, dy upon dx इज नहीं सॉरी dy upon du
इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, अंदर आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस लॉग साइन लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय नाउ वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इज साइन एक्स रेज टू पावर एक्स और अंदर आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स. ओके ये आंसर. इसमें भी हमने दोनों साइड पे लॉग लेना है, लॉग एक्स माइनस वाई ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ए. नाउ दिस इज फॉर्म लॉग एम इंटू एन एंड इट्स फॉर्मूला इज लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एक्स माइनस वाई प्लस लॉग ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ए एंड दिस विल बी लॉग एक्स माइनस वाई प्लस देखिए लॉग ई. ओके ओके तो हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ए. ओके नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव लॉग दिस इज एफ एक्स एंड हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन कोई भी फंक्शन हो जाए उसको हम डीनू में ले लेंगे वन अपॉन दिस इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस और यहाँ क्वेश्चन ट्रू लग जाएगा एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स इज वन माइनस एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू देखिए लॉग ए एंड इट्स डेरीवेटिव इज जीरो बिकॉज ए इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू. देखिए कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो चाहे वो साइन के साथ आ जाए कॉस के साथ में मीन्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ जाए या किसी लॉग के ई के ऊपर आ जाए तो इसका डेरीवेटिव हमेशा क्या होगा जीरो. ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप में करेंगे नेक्स्ट स्टेप इज वन अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स इज वन माइनस डेरीवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर ऊपर हमारे पास आ गया एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू नाउ डेरीवेटिव ऑफ एक्स इज वन माइनस डेरीवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. देखिए इसमें x माइनस वाई की होल स्क्वायर तो इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस वाई की होल स्क्वायर एंड जब इसमें इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो. ओके तो इधर हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इंटू वन माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसको भी सॉल्व कर दीजिए अब x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. ओके देन एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया दिस विल बी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स साथ में है माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो. ओके नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए ये बन जाएगा देखिए एक्स और है इसमें क्या डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म्स को इकट्ठे करेंगे ये कैंसिल हो गई दोनों. ओके और हमारे पास आ गया वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और नेक्स्ट फॉर्म है हमारी एक्स माइनस वाई इज माइनस टू वाई प्लस एक्स एज इट इज आ गया. देखिए माइनस वाई माइनस टू वाई वाई आएगा तो राइट साइड में जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टू वाई. ओके ये प्रूव हो गया. ओके स्टूडेंट्स इसके साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया यहाँ. ओके स्टूडेंट्स अगर इन वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपके सिलेबस से रिलेटेड और टॉपिक्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. खुश रहिए पॉजिटिव रहिए.